Now we start question number 2. Answer the following question. नीचे question दिए हैं, इसका answer देने का है. Write the formula of the mode for ungrouped data if a mean x bar and median m is given. This is the answer. Mean equal to x bar, median equal to m, mode equal to z. For ungrouped data, z equal to 3m minus 2x bar. This is answer. Now question number 2. Sigma I equal to 1 to n in bracket xi minus x bar equal to 0. इसकी वैल्यू 0 आती है. मैंने आगे क्वेश्चन में ट्रू अप्लाई एमसीक्यू मैंने सिखाया मैंने. तो 0 है तो फाइंड द वैल्यू I equal to 1 to 10 xi minus x bar. आंसर यह गिवन. वी नो दैट यह गिवन हमको दिया हुआ है. सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू एन एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0. देयरफॉर सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई माइनस एक्स बार भी 0 ही होगा. एन मतलब एनी नेचुरल नंबर. 1 दिया हो तो भी 0 आएगा, 2 दिया हो तो भी 0 आएगा, 1000 दिया हो तो भी 0 आएगा. तो सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 0. नाउ स्लाइटली मैंने चेंज कर दिया. क्वेश्चन नंबर 3. आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 45. फाइंड द एक्स बार. यह ब्रैकेट इज नॉट गिवन. ऊपर वाले में ब्रैकेट दिया हुआ है, ब्रैकेट के अंदर एक्स आई माइनस एक्स बार है. यहाँ ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है. तो वी नो द फॉर्मूला एक्स आई इक्वल एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन. देयरफॉर सिग्मा एक्स आई की वैल्यू फॉर्मूला क्या होती है, एन एक्स बार. तो हियर सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 10 एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू 45. एन की जगह 10 दिया हुआ है तो 10 एक्स बार होगा. 10 एक्स बार माइनस एक्स बार इक्वल टू 45. 9 एक्स बार इक्वल टू 45. देयरफॉर एक्स बार इक्वल टू 45 अपॉन 9. 9 5 जा एक्स बार इक्वल टू 5. नाउ हियर क्वेश्चन नंबर 4. सेम मैंने चेंज किया, स्लाइटली चेंज किया हुआ है. आई इक्वल टू 1 टू 20 एक्स आई माइनस एक्स बार इक्वल टू डैश एंड फाइंड द वैल्यू इफ एक्स बार इक्वल टू 5. तो एक्स बार 5 दिया है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी. नंबर 1 अन सॉल्यूशन आंसर सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू 20 एक्स आई माइनस एक्स बार. हियर एन इक्वल टू 20 है तो 20 एक्स बार होगा माइनस एक्स बार बिकॉज ब्रैकेट इज नॉट गिवन. इफ ब्रैकेट इज गिवन देन द आंसर इज 0 आता. आंसर इज 0 बट हियर ब्रैकेट इज नॉट गिवन. देयरफॉर 20 दिया है तो 20 एक्स बार. 1 से होना चाहिए. 1 टू 15 दिया तो 15 एक्स बार होगा. तो इसका आंसर पहला मिलेगा 20 माइनस 1 तो 19 एक्स बार. बट एक्स बार इक्वल टू 5 दिया है. देयरफॉर 19 एक्स बार इक्वल टू 19 इंटू 5 95 आंसर. तो हियर आंसर इज 95. नाउ वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर. तो मीन की फॉर्मूला है तो मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. वी हैव टू सम फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3
प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन प्लस एट प्लस नाइन प्लस टेन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10। तो टोटल करें हम 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 4 = 10, 10 + 5 = 15, + 6 = 21, + 7 = 28, + 8 = 36, + 9 = 45, + 10 = 55। तो टोटल ऑब्जर्वेशन इक्वल टू 55/10 इक्वल टू 5.5, एक्स बार इक्वल टू 5.5 आंसर। तो दिस इज फॉर्मूला का मीन इक्वल टू सम ऑफ और ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, 1 से लेकर 10 का हमने सम किया, अपॉन कितने नंबर है तो 10 नंबर है। वी सम किया तो 55/10 5.5, एक्स बार इक्वल टू 5.5। नाउ वी राइट क्वेश्चन नंबर 6। राइट द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग मीन बाय स्टेप डेविएशन मेथड। वी हैव टू राइट द फॉर्मूला ऑफ स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंडिंग द मीन। तो मीन एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। हियर ए इक्वल टू एज्यूमिंग सिग्मा एफ आई इक्वल टू एन टोटल फ्रीक्वेंसी एन एच इक्वल टू क्लास साइज या क्लास लेंथ, ये सब साथ में लिखना पड़ता है। हम डायरेक्टली फॉर्मूला लिखे एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच बराबर, तो रॉन्ग नहीं जाएगा। पर ए लिखो ज़्यादा कि भाई व्हाट इज द ए इज एज्यूमिंग, व्हाट इज द सिग्मा एफ आई एंड टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द एच क्लास साइज या क्लास लेंथ या क्लास हाइट। क्वेश्चन नंबर 7। राइट द फॉर्मूला फॉर द फाइंडिंग मीन ऑफ मीन बाय डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम मीन मेथड। तो नाउ वी स्टार्ट आंसर। डायरेक्ट मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हियर एक्स आई सिग्मा एफ आई इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी नंबर 1। नंबर 2 एज्यूमिंग मेथड। हमको एज्यूमिंग मेथड की फॉर्मूला लिखने की है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। हियर डी आई इक्वल टू एक्स आई माइनस ए इज एज्यूमिंग मीन। हियर एक्स आई इक्वल टू क्लास मार्क, ये लिखो तो ज़्यादा अच्छा है। फाइंड द क्लास मार्क ऑफ द क्लास 50 to 65। क्लास मार्क मतलब मिड वैल्यू। हियर क्लास इज गिवन क्लास 55 to 65 इज गिवन। तो क्लास मार्क और मिड वैल्यू, दिस इज नोन एज द मिड वैल्यू इक्वल टू
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन टू. व्हाट इज द लोअर लिमिट? 55 प्लस 65 अपॉन टू, 120 अपॉन टू इक्वल टू 60. तो क्लास मार्क इक्वल टू 60 आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. व्हाट इज नोन एज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंस मिस ऑगियो एंड लेस देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंस कर्व मिट ऑगियो. तो मैंने मैंने बताया था दिस इज लेस देन, दिस इज मोर देन, दिस पॉइंट पी एक्स वाई है. तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ टू बोथ कर्व इज नोन एज मीन एंड कर्व इज नोन एज ऑगिव. इन मोर देन कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व व्हाट इज टेकन ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. तो ऑन y एक्सिस तो फिक्स ही है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी एंड ऑन x एक्सिस या मोर देन दिया हुआ है तो लोअर बाउंड्री आएगा, लोअर बाउंड्री पॉइंट. अगर लेस देन दिया हो तो अपर बाउंड्री पॉइंट आएगा.